नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग ग्रहों की स्थिति शुरू करते हैं। 31 अगस्त 2019 का राशिफल है, जिसमें मिथुन राशि में चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, चंद्रमा सिंह राशि में चल रहे हैं, गुरु वृश्चिक राशि में है, शनि और केतु धनु राशि में भ्रमण पे हैं, गोचर में है। हम लोग राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, मेष राशि की स्थिति कई तरह के मनोभाव से आप गुजर रहे हैं। जैसे आपके पंचम भाव में, मन में, मस्तिष्क में, डिसीजन मेकिंग पावर में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, चंद्रमा पांच पांच ग्रह बैठे हैं, इस वजह से आप कई तरह की चीजों को सोच रहे हैं। अभी महत्वपूर्ण निर्णयों को अभी टाल के रखें, थोड़ा सा अपने ऊपर संयमित रखें, ध्यान रखें। बहुत अच्छा भी है, लेकिन कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा बच करके पार करने की आवश्यकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि को भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी पे अभी थोड़ी सी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि अमावस्या बन रहा है आपके चतुर्थ भवन में, तो थोड़ा सा बच के पार करें। बहुत अच्छी स्थिति है, फिर भी थोड़ा सा आप बच के पार करें। अच्छी स्थिति क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव का कारक ग्रह शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, जो भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के वहां बैठने की वजह से अभी रोक दें। मिथुन राशि, घोर पराक्रम बने रहेंगे और आप द्वारा किया गया हर तरह का पराक्रम आपको सफलता दिलाएगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आगे बढ़े, कार्यों को करें, भाइयों का साथ होगा, मित्रों का साथ होगा, हर लोगों के साथ से आपका कार्य निश्चित तौर पर बनेगा। कर्क राशि, कर्क राशि की स्थिति ठीक कही जाएगी। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपके द्वितीय भाव में बन रहा है, ये सरकारी तंत्र से ये जोड़ता है, नौकरी चाकरी में इजाफा कराता है, गवर्नमेंट की नौकरी की तरफ लेके जाता है। लेकिन चूंकि अमावस्या बन रहा है, तो ऐसा होता है ना, जैसे दूध के पात्र में नमक पड़ गया, इस तरह की स्थिति है। फिर भी कुछ बनाया जा सकता है, नमकीन दूध को भी ठीक किया जा सकता है, तो अच्छी स्थिति है, थोड़ा सा बच के पार करने की आवश्यकता है। सिंह राशि, सिंह राशि की स्थिति चूंकि लग्नेश सूर्य आपके लग्न में चल रहे हैं, नौमेश मंगल आपके लग्न में चल रहा है, तो भाग्यवर्धक भी है। आपके अंदर सूर्य के आने से जो लग्नेश है, आप में एक ऊर्जा भी है, लेकिन चंद्रमा के आ जाने से इन सारी चीजों में थोड़ी कमी हो गई। आज का राशिफल थोड़ा विशेष राशिफल भी होगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा मिलके अमावस्या करते हैं, तो ये अमावस्या या अमावस्या की तरह की कुंडली बन रही है सबकी। कन्या राशि, बहुत बच के पार करने की आवश्यकता है, बहुत बिल्कुल घबराइएगा मत, बहुत जल्दी आपका दिन ये ठीक होने वाला है, लेकिन आज के दिन आप ज्यादा बच के पार करिए। शासन सत्ता पक्ष की बात हो, शारीरिक बात हो, आर्थिक बात हो, हर दृष्टिकोण से थोड़ा सा मध्यम समय है, खराब समय। तुला राशि, अच्छा समय कहा जाएगा। आपके एकादश भाव में पांच पांच ग्रह, ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, ज्योतिष विज्ञान ये कहता है कि एकादश भाव का ग्रह कभी भी खराब फल नहीं देते, और पांच पांच इतने बड़े बड़े ग्रह आपके एकादश भाव में बैठे हैं, तो बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी, हर दृष्टिकोण से लाभ, शुभ समाचार की प्राप्ति, संतान पक्ष की अच्छी खबर, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी, कुल मिलाकर हर दृष्टिकोण से अच्छा चल रहा है। उधर गुरु आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल शब्द साधक की तरह आप जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी स्थिति है। वृश्चिक राशि, शासन सत्ता पक्ष का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, हर दृष्टिकोण से एक अच्छा समय कहा जाएगा, सरकारी तंत्र के नजदीक आएंगे, राजनीतिक लाभ मिलेगा। धनुराशि, धनुराशि की स्थिति ये कही जाएगी कि थोड़ा खराब तो चल रहा है, और कुछ गड़ा हुआ प्रॉब्लम, चली आ रही परेशानी, छुपी हुई प्रॉब्लम आपके सामने आने की स्थिति में दिख रही है, इससे आपको लाभ होगा थोड़ा, क्योंकि चली आ रही परेशानी सामने हो जाएगी तो उसका निराकरण भी संभव। अच्छी स्थिति है। मकर राशि, थोड़ा बच के पार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में ग्रहों का जमावड़ा है, पांच पांच ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठे,
बहुत जरूरत है कि थोड़ा सा बच के पार करें। किसी भी तरह का रिस्क लेने वाला स्थिति आपके साथ नहीं, थोड़ा बच के पार करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि की स्थिति अच्छी कही जाएगी, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यह बहुत जरूरी है। मीन राशि, शत्रु पक्ष सामने पड़ने की हिमाकत नहीं करे, बिल्कुल आप हीरो की तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो भी राह में आएगा रौंदा जाएगा। कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति।